नमस्कार दोस्तों, अगर आप FD, RD, प्रॉपर्टी, सोना जैसे निवेश साधनों से अलग हटकर दूसरे निवेश साधनों में पैसे लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो IPO आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। शेयर बाजार में लिस्ट होने से पहले कोई भी कंपनी IPO लाती है, तो जब बात IPO की हो तो 1 मार्च को देवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स का IPO खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको देवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स के बारे में, उसके IPO के बारे में और IPO में कैसे निवेश करना है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं देवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स कंपनी के बारे में। तो यह ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, यानी यह कंपनी गाड़ियों से जुड़े सामान बनाती है। यह सिस्टम लेवल ट्रांसफर केस, टॉर्क कपलर और डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस को डेवलप करती है और कंपनियों को सप्लाई करती है। अब कंपनी के IPO के बारे में जान लेते हैं। तो IPO 1 मार्च को खुलेगा और 3 मार्च को बंद होगा। IPO का फेस वैल्यू है ₹5 प्रति शेयर। इश्यू का प्राइस बैंड है ₹560 से लेकर के ₹590 प्रति शेयर। 25 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 25 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 25×590 यानी ₹14,750 निवेश करने होंगे रिटेल व्यक्तिगत निवेशक को। कम से कम रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 325 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 325×590 यानी 1,91,750 निवेश कर सकते हैं। कंपनी IPO से ₹180 करोड़ जुटाएगी। IPO के तहत ₹180 करोड़ के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी OFS के तहत कंपनी के निदेशक और अन्य शेयर धारक करीब 39,34,000 शेयर बेचेंगे। अब है कि कंपनी को जो IPO से पैसे मिलेंगे, खास करके नए शेयरों की बिक्री से, उसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा। तो कंपनी IPO से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च जरूरतों पर करेगी। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों में भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। IPO अलॉट की तारीख है 9 मार्च। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 9 मार्च को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 10 मार्च को। IPO शेयर्स की लिस्टिंग होगी 14 मार्च को और शेयर BSE और NSE पर लिस्ट होंगे। यानी रिटेल व्यक्तिगत निवेशक 1 मार्च से 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 9 मार्च को IPO अलॉट होगा और जिन निवेशकों को IPO नहीं मिलेगा उनके पैसे 9 मार्च को ही बैंक में उनके ट्रांसफर हो जाएंगे। इस IPO में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB के लिए, 15% हिस्सेदारी NII यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या HNI के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल व्यक्तिगत निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस IPO का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है इनगा वेंचर्स और इक्विरस कैपिटल, जबकि रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम। फिर से कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूरे भारत में स्थित इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली फैसिलिटी है। कंपनी की कर्नाटक और महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट्स है। इसके अलावा एक नया प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसका लगभग 80% काम पूरा हो गया है। कंपनी के ग्राहकों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और टोयोटो किर्लोस्कर ऑटो पार्ट्स शामिल है। अब सवाल है कि IPO में निवेश कैसे करेंगे। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, IPO, FPO में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सभी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही IPO में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही IPO से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भरना होगा। IPO के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें। दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश जैसा ही IPO में निवेश करना जोखिम भरा होता है, तो किसी भी IPO में पैसे लगाने से पहले उस IPO के बारे में पूरी जानकारी ले लें। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।